बाद में आप लोगों को बोला था ना कि भले ही आपके फेवरेट के पॉप आइडल्स BTS मिलिट्री में हो, लेकिन एक पल के लिए भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि वो आपके साथ नहीं है। और पिछले कुछ हफ्तों से ऐसा ही हो रहा है, जब लगातार BTS की तरफ से हमें कोई ना कोई धमाकेदार अपडेट मिल रही है। और आज तो मानो फैंस का दिन ही बन गया, या कहूँ ये महीने की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ रही जब आर्मी के लिए बिगेट की तरफ से एक और धमाकेदार न्यूज़ की अनाउंसमेंट हुई है। और एक बार फिर से पूरे सोशल मीडिया पर BTS इज कमिंग, BTS कमिंग अगेन, ये सारे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही बंगदन बॉयज के मोनोक्रोम का पर्दा पूरी तरह से खुला नहीं है। आर्मी इस मिस्ट्री के बीच है कि BTS की तरफ से अगली अनाउंसमेंट हो गई है उनके कमबैक की। हाँ आर्मी, मैं बात कर रहा हूँ बंगदन बॉयज की एक नई म्यूजिक वीडियो की, जो जल्दी ही रिलीज होने जा रही है, जिसकी अनाउंसमेंट बिगेट ने कर दी है। जिसके लिए अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना, क्योंकि BTS की ये नई म्यूजिक वीडियो उन्हीं की डेब्यू एनिवर्सरी पर रिलीज की जाएगी, जो जून में है। और इस प्रोजेक्ट का नाम फॉर यू फाइनल किया गया है। आई नो आप में से बहुत सारी आर्मी फॉर यू सुनते ही पास्ट में पहुंच गई होगी और सोच रही होगी कि ये सॉन्ग तो हमने सुना है। शायद आप में से काफी लोगों ने फॉर यू म्यूजिक वीडियो देखी भी हो, लेकिन आर्मी मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से बांगदन बॉयज अपनी एनिवर्सरी पर फॉर यू के साथ ही अपना कमबैक करने जा रहे हैं। हाँ, मुझे पता है कि BTS ने 2014 में ऑलरेडी फॉर यू सॉन्ग रिलीज कर दिया है, लेकिन आदमी वो एक जापानीज वर्जन सॉन्ग था जिससे BTS ने जापान में अपना डेब्यू किया था। लेकिन इस साल BTS की एनिवर्सरी पर जो फॉर यू सॉन्ग रिलीज होगा उसमें बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे, और ये BTS का एक एनालॉग वर्जन होगा जिसमें वो कोरियन इंग्लिश सारी चीज मिक्स कर गाएंगे। तो आप लोगों के लिए तो एकदम फ्रेश कॉन्टेंट ही होगा, जिसमें बंगदन बॉयज की वही एनर्जी और वाइब्स आपको देखने को मिलेंगी। तो आर्मी एक बार फिर से BTS के फॉर यू सॉन्ग को एकदम अलग तरीके से देखने के लिए और BTS की डेब्यू एनिवर्सरी के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हो, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।